भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची में अधिकांश उन सीटों को शामिल कर रही है जिस पर उसकी स्थिति मजबूत है। साथ ही करीब 5 से 6 सबसे कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में जारी हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोर कमेटी में शामिल नेताओं से करीब 2 हफ्ते पहले 65 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची मांगी थी। इन नेताओं ने अपनी अपनी सूची नेतृत्व को सौंपी थी। इनमें से 2 दर्जन सीटों पर सभी नेताओं के बीच एक नाम पर सहमति बनी। ऐसे में इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को पहली सूची में शामिल किया जा सकता है। कोर कमेटी के एक नेता ने बताया कि लोकसभा सांसद दिया कुमारी सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को विधानसभा चुनाव लड़वाने पर लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार पहली सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर, उपनेता सतीश पुनिया, किरोड़ी लाल मीणा व दिया कुमारी के नाम शामिल होंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झालरा पाटन, खानपुर, आसिंद, भीलवाड़ा, विद्याधर नगर, सांगानेर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण, ब्यावर, बीकानेर पूर्व, रतनगढ़, अलवर शहर, सोजत, पाली, बाली, सूरसागर, चोमू, फुलेरा और झोटवाड़ा सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं सूत्रों के अनुसार भाजपा के लिए सबसे कमजोर सीटों में नवलगढ़, सीकराय, लालसोट, फतेहपुर, दातारामगढ़, वल्लभ नगर, बाड़ी, बस्सी, टोड़ा भीम, नाथद्वारा, बागीदौरा, सांचोर और सरदारपुरा शामिल है। इन सीटों की आज या इस सप्ताह घोषणा हो सकती है।